छठ पूजन के अवसर पर बात करने के लिए हमारे साथ है सुदीप बंदोपाध्याय, कोलकाता से सांसद हैं, 8 बार रह चुके हैं, लेकिन इस बार क्या तैयारियां कुछ ज्यादा या अलग हैं सुदीप दा? इस बार ज्यादा भारी संख्या से गंगा के किनारे में पूरा भर गए, पिछले 2 साल तो मुश्किल थे। मैं ये बात आज कहा कि कलकत्ता की ऐसा स्थान है जो बिहार से आते हैं, छठ व्रतियों है जो छठ पालन करते हैं, वो लोग सोच लिया कि कलकत्ता हमारे दूसरा घर, और हम लोग भी ये लोगों को बहुत प्यार से अपना ही भाई का रूप से हमारे दिल में ले लिया। कोलकाता का और पश्चिम बंगाल का ये परंपरा सारा देश में नहीं है, इसको होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के समय फिर हिंदी भाषी, बंगला भाषी और बाहरी बहिरागत तो ये सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है, इसको कैसे देखते हैं? देखो, मैं 9 बार जीता कोलकाता शहर से, ये 1 बार बोलने से नहीं होता। तो लोग परीक्षा करते हैं कौन किसी ने किस तरह से बोलते हैं, या 5 शिविर लगे तो 5वें ही मुझको जाना होगा, पिछले 4 शिविर में हुआ तो 4वें ही मुझको जाना पड़ा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि हम लोग जो राज्यों में है, ममता बनर्जी छठ पूजा में 2 दिन का छुट्टी दिया, बिहार में 2 दिन का छुट्टी है, देश में और कोई राज्यों में 2 दिन का छुट्टी नहीं है। तो हम लोग इसीलिए कहा, धर्म अपना अपना, उत्सव सबका, ये दर्शन हम लोग देना चाहते हैं देश को। केंद्र सरकार को ये प्रपोजल भेजेंगे कि छठ पूजा पर भी 2 दिन की छुट्टी हो? केंद्र सरकार को बहुत सारे छुट्टी देना चाहिए, छठ पूजा तो एक है, और बहुत कुछ है, नेताजी का जन्म दिवस पर है, बहुत ऐसा हम लोग हर साल उठाते हैं, नहीं देते हैं, आशा करते हैं हम जनता का भारी मतों का साथ चलते चलते एक दिन उन्होंने सम्मति दे देंगे। जब आप अभी की बात कर रहे हैं तो इस समय फिर से पंचायत चुनाव की भी तैयारी है देश में, यहाँ पर बंगाल में और देश में हिमाचल और गुजरात में चुनाव। दूध के दाम सब जगह बढ़ गए 2-2 रुपए, लेकिन गुजरात में नहीं बढ़े। ये सरकार बहुत स्ट्रेटेजिकली चलते हैं, ये पेट्रोल डीजल का भाव उत्तर प्रदेश का चुनाव का पहले नहीं बढ़ाया, ये अभी महाराष्ट्र से इंडस्ट्री लेके गुजरात तक चले जाते हैं। यहाँ अमित शाह का आने का बात थे, मीटिंग का हर विषय तैयार हो गए थे, अचानक उन्होंने नहीं आएंगे, मीटिंग भी बर्बाद हो गया। तो मेरा इतना लंबे जीवन में ये मेरा हिसाब है, मैं जो स्टडी करके देखा कि रीजियनली ईस्टर्न जोन इज द वर्स्ट सफरर ऑफ रीजियनल इम्बेलेंसेस, ये वंचना का शिकार होते हैं बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, ये सब राज्य। तो दिखा जाए अगले दिनों में, हम लोगों को जोटबद्ध होके आगे चलना चाहिए। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है कि उसको अब गुजरात में भी बोल रहे हैं इसकी बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी, कैसे देखते हैं इसको? वो जो आज ही बोलते हैं वो काली लागू करेंगे ऐसा नहीं है, वो सीए के बारे में हम लोगों ने देखा, चुनाव का पहले एक तरह बोलते हैं, दूसरा तरफ वो उलट जाते हैं, उनका स्थिति अभी थोड़ा गर्मी ले।